नहीं आ सकते। तो यहाँ पे देखिए कब्रिस्तान, दोस्तों कब्रिस्तान को देखो दोस्तों हम लोग कर रहा है, देखो मेरा दोस्त ने ये नारियल के क्या लेके आया पता नहीं, शायद रूम से लेके आया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से एक और मेरा नया ब्लॉग पर। तो दोस्तों अभी अभी शाम हो रहा है, स्कूल से आके हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत दिन हुआ मैं मेरा नया चैनल पे ब्लॉग नहीं डाल बना रहा हूँ मैं, इसलिए आज बनाने के लिए सोच रहा हूँ। क्योंकि अभी जो है दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा घूमने आए थे, ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आए थे दोस्तों, स्कूल से आके खाना पीना सब करके हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए आए। तो यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ठंडा लगता है यहाँ पे आके, जब गर्मी ज्यादा होता है तब मैं इस तरफ आके ठंडा ठंडा हवा जो आते हैं हम यहाँ पे देख के हवा नहीं लेता हूँ। तो दोस्तों फिर से मुझे जाना पड़ेगा कोचिंग क्लास में आज, क्योंकि आज और एग्जाम चला गया था ना, आज पोल साइंस दे दिया लेकिन पास मार्क मिलेगा है कि नहीं है मुझे अभी तक पता नहीं। तो आज फिर से कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, इससे चार बजे हम लोग का कोचिंग क्लास होता है। कोचिंग क्लास यहाँ से बहुत दूर होता है दोस्तों, इसीलिए हमको सबसे पहले जाना पड़ता है, कम से कम आधा घंटा पहले जाना पड़ता है वहाँ। और यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए दोस्त ने एक नारियल लेके आया, देखो कहाँ से तोड़ के लेके आया पता नहीं, शायद रूम से लेके आया, रूम पे बहुत सारे फरा हुआ है वहां से लेके आया। तो इसको अभी खाएंगे मेरा दोस्त ने, तो खाएंगे मजा से आज, बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला, बहुत दिन से हमको मन कर रहे खाने के लिए, खाने को मन कर रहे है भाई, जल्दी खा भाई, मेरे को अभी खाने में मन कर रहे है भाई। दाव को देखो भाई कितना लंबा है, ये है, ये तेलागु का है भाई। तेलागु की तरह है ना देखने में, वाओ बहुत दिन के बाद हम लोग आज नारियल खाएंगे भाई लोग, पूरा सूखा हुआ है ना शायद, पूरा पक चुके हुए, वाओ बहुत ही डेंजरियस है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना। तो फाइनली दोस्तों नारियल छिलके हो गया, देखिए बिल्कुल अभी खा सकते हैं, है ना भाई, खा सकता है ना अभी, ऐसे थोड़ी खा सकता है, तो कैसे खाता है भाई, ये निकलना पड़ेगा, चमड़ा भी निकलना पड़ेगा भाई। अच्छा अंदर भी, और ये चमड़ा है। तो अभी जो है दोस्तों हम इसको अंदर का ही निकालेंगे, बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। तो भाई कैसे निकालना है, पानी को कैसे निकालना है, पानी को कैसे निकालेंगे भाई, ऐसा है ना पतला पतला करके काटना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा भाई। थोड़ा सा अगर गलती से काट गया तो इधर उधर से क्या करूँ भाई। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं, देखो मेरा दोस्त ने ये नारियल के साथ साथ ये देखो बिस्कुट भी खा रहा है साला, क्या हो गया भाई, नारियल के साथ स्वादिष्ट होता है क्या, होता है क्या स्वादिष्ट भाई, हाँ इसमें फाइनली दोस्तों बिल्कुल शाम हो चुका है, अभी हम निकल रहे हैं कोचिंग क्लास की तरफ, हम आज तो कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, जाने हैं हमको इस तरफ, देखो वाओ रात होने वाला है दोस्तों, ये देखो भाई जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा भाई, नहीं तो देर हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत देर हुआ आज, बहुत सारे काम
बहुत सारे काम था ना, इसीलिए देर हुआ दोस्तों कोचिंग क्लास की तरफ निकलने के लिए। तो दोस्तों हम बहुत दिन से वीडियो बना नहीं रहे हैं क्योंकि हम बिजी रहता है, हमारा जो एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए हम वीडियो बना नहीं सकते। आज इस हफ्ते में हम वीडियो बना नहीं पा रहे हैं उसी की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से। जब हमारा 3 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं वीडियो बना पाऊँगा। तो फिलहाल हम जाते हैं कोचिंग क्लास। यहाँ पे देखिए दोस्तों व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए वाह। ये जो नीचे में नदी देख रहे हो ना दोस्तों, ये तो तुइचोंग है एक्चुअली। ये इतना बड़ा भी नहीं है, सोता है, बारिश देने के बाद बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है क्योंकि NRJS से काम किया था दोस्तों। NRJS में जो काम किया था यहाँ पे इस तरफ किया, ये NRJS का काम, इसलिए बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। देखो क्लीन हो गया पूरा मंदिर का एरिया, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अभी बिल्कुल साफ है। इस तरफ का जो बम्बू सूट है ना दोस्तों, सुरा के लेके जाते हैं। देखो यह काम इस तरफ का बम्बू सूट हम लोग को खाने को नहीं मिलता है क्योंकि उन लोग सुरा के लेके जाता है ना, हम लोग को दुनने से भी नहीं मिलता है। तो अभी तो पूरा सब क्लीन कर दिया NRJS काम से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और हमेशा सपोर्ट देते रहोगे। तो आप लोगों को तो पता है दोस्तों मैंने नया नया चैनल खोला है तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट जरूर रखूँगा। ये देखिए दोस्तों बैनर, ये हमारा मंदिर का बैनर है दोस्तों। ये देखिए मंदिर का बैनर। आज जो है दोस्तों हमें दौड़ा के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत देर हुआ मैंने काम से ना, मंदिर पे बहुत काम रहता है इसलिए हम आज बहुत ही देर हुए हैं। तो दौड़ा के जाना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। फिलहाल जो है दोस्तों हम आधे रास्ते में पहुंच गया है और यहाँ से बहुत दूर है, फिर भी कम से कम 2-3 किलोमीटर हो जाएगा हम जाते वक्त, तो बहुत देर से हम पहुँच जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना कभी। तो अभी हम जाते जाते आप लोगों को और एक चीज़ दिखा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डरने वाला भी है लेकिन आप लोग मत डरना ठीक है। तो इसलिए हम नहीं आ सकते और रात को जब 8 बजे से हमको छुट्टी मिलता है इसलिए हम नहीं आ सकते। तो यहाँ पे देखिए कब्रिस्तान दोस्तों, कब्रिस्तान को देखो भाई, ये देखिए वाओ, कब्रिस्तान को देखिए दोस्तों। इसलिए हम रात को छुट्टी मिलने के बाद अकेले नहीं आ सकते, यही डरता हूँ भाई कब्रिस्तान को डरता हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे मारा लोग यहाँ पे चलाते हैं इसलिए। और कभी कभी है ना स्कूल से जाते वक्त भी हमको देखने को मिलता है, तो जो मारा हुआ लोग चलाते हैं तब भी हमको देखने को मिलता है। फिलहाल जो है आधे रास्ते पे अभी हम करेंगे ब्रिज को क्रॉस, तो ब्रिज तो अभी थोड़ा दूर है। आज जो है दोस्तों हम जाते जाते ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मेरा चैनल पे जो एक की वीडियो डाला मैंने इसलिए मैं और एक ब्लॉग बना लेता हूँ आज, क्योंकि एक हफ्ते में 2 वीडियो भी नहीं आ रहा है मेरा, इसलिए हम आज ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया फिर से स्कूल से छुट्टी होके। तो सबसे पहले हम स्कूल से छुट्टी होते हैं दोस्तों, स्कूल से छुट्टी होके हम खाना पीना होके और नहा धो के फिर कोचिंग क्लास निकलते हैं 4 बजे। और 4 बजे के अंदर जो टाइम रहता है मेरे लिए वही से अंदर हम सब कुछ कर लेता हूँ, काम वगैरह और ऐसा कपड़ा धोना को बहुत कुछ करना पड़ता है दोस्तों, और मंदिर का काम भी करना पड़ता है, और जो भी रहता है मैं वही काम कर लेता हूँ। फिर उसके बाद 4 बजते वही कर लेता हूँ, फिर 4 बजने के बाद हम निकल जाते हैं कोचिंग क्लास। बहुत ही गर्मी लग रहा है और जंगल की तरफ से अभी मंदिर पे जाते वक्त जंगल देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये वाला जंगल ये देखिए। और अभी जो हमको देखने को मिल रहा है घर, तो जैसे कि मतलब गांव जैसा है ना, तो अभी देखो यहाँ से घर देखने को शुरू हो जाएगा। तो हम तो आप लोगों को पूरा दिखा नहीं पाऊँगा तो यही से ही शुरुआत कर लेता हूँ मैं, आप लोगों को बस यही दिखा देता हूँ ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कमला नगर का रास्ता। तो फाइनली दोस्तों हम स्कूल में पहुंच गया है, स्कूल इंस्टीट्यूशन में। तो